audio jump. अस्सलामुअलैकुम। आज हम बना रहे हैं मटन चिल्ली। इसकी ख़ास बात यह है कि इसमें हम मटन को कंप्रेस करके डालेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम लेंगे 1/2 kg बोनलेस मटन लॉब। ये हमने रान की साइड का पोर्शन लेके उसको बोनलेस करवाया है। रान की साइड के पोर्शन से ही आपको इसका बेस्ट रिज़ल्ट आएगा। आप बीफ भी यूज़ कर सकते हो। अब 1.5 inch की थिकनेस के हिसाब से हम इसे लेंथ वाइज कट कर लेंगे। और 1/2 kg मटन के हमने 6 pieces किए हैं। एक बोल में हम इसका मैरिनेशन तैयार करेंगे, जिसके लिए हम लेंगे 2 tablespoons सोया सॉस, 1 tablespoon जिंजर गार्लिक पेस्ट, 1/2 teaspoon अजीनोमोटो, 1/2 teaspoon ब्लैक पेपर पाउडर, 1/2 teaspoon सॉल्ट, 1 tablespoon ऑयल, और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब सारे मटन पीसेस डालकर इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे, ताकि मटन पीसेस मैरिनेशन में कोट हो जाए। कवर करके हम इसे फ्रिज में मैरिनेट करने रख देंगे। इसे हमें कम से कम 24 आवर्स के लिए मैरिनेट करना है। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम हो तो आप इसे 2 से 3 दिन तक भी मैरिनेट कर सकते हो। मटन मैरिनेट करके 2 दिन हो गए हैं। अब प्रेशर कुकर में सारा मटन ट्रांसफ़र कर देंगे। इसी बोल में 1/4 cup पानी डाल के इसे क्लीन करके कुकर में डाल देंगे। एक बार मिक्स कर लेंगे और हाई फ्लेम पे 1 whistle के बाद स्लो फ्लेम पे इसे 7 से 8 minutes के लिए पका लेंगे। हमें इसे ओवर कुक नहीं करना है, बस पूरा पका लेना है। मटन रेडी हो चुका है। हमने यहाँ एक पनीर मेकर लिए है। ये इजीली आपको मार्केट में मिल जाएगा और ये अमेज़ॉन पे भी अवेलेबल है। तो एक एम्प्टी बोल लेके उस पर हम पनीर मेकर रख देंगे और गरम मटन इसमें डाल देंगे। जब मटन के पीसेस गरम होंगे तभी ही हमें उसे इसमें डालना है। अगर ठंडे हो जाएंगे तो वो कंप्रेस नहीं होंगे। मटन पीसेस अच्छे से सेट कर लेंगे, इसमें बिल्कुल गैप नहीं रखना है, वरना मटन कंप्रेस होके फैल जाएगा। मटन अगर 1/2 kg है तो पनीर मेकर भी हमें 1/2 kg का लेना होगा। अगर हम ज़्यादा बड़ा पनीर मेकर लेंगे तो मटन ठीक से कंप्रेस नहीं होगा। हम इसका कवर लगा देंगे और उसके ऊपर हम 5 से 6 kilo का वज़न रख देंगे और इसे हम 7 से 8 घंटे के लिए इसी तरह कंप्रेस होने देंगे। अब जो मटन स्टॉक है उसे हम छान के साइड में रख लेंगे, आगे की कुकिंग में हम इसे यूज़ कर लेंगे। अगर आपके पास ऐसा पनीर मेकर नहीं है तो आप एक हार्ड प्लास्टिक का कंटेनर ले लो। रेस्टोरेंट के जो बॉक्सेस आते हैं वो हमें नहीं लेना है, क्योंकि वो बहुत ही पतला प्लास्टिक होता है, वो इजीली बेंड हो जाएगा। तो हमें ऐसा बॉक्स नहीं लेना है, हमें ऐसा लेना है जो इजीली बेंड नहीं हो। उसके अंदर मटन डाल कर उसी की साइज़ का एक बॉक्स ले लेना आप, जो जिसमें आपने थोड़ा वज़न रखे हो। तो आप क्या करना, बॉक्स के अंदर मटन डालने के बाद उसके ऊपर ये वज़न रख देना और फिर उसके ऊपर 5 से 6 kilo का वज़न रख देना। तो ये इससे भी आप मटन कंप्रेस कर सकते हो, अगर आपके पास पनीर मेकर नहीं है तो। इसे हम हर 1 घंटे से टिल्ट करके इसका स्टॉक कलेक्ट कर लेंगे। देखिए, मटन को हमने 8 घंटे के लिए कंप्रेस किए थे। ये जो स्टॉक कलेक्ट हुआ है इसे हम साइड में रख देंगे। अब मटन को हम एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेंगे और पीसेस को अलग कर लेंगे। इसे हम 1 से 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे, ताकि मटन पीसेस थोड़े सी स्टिफ हो जाए और फिर हम इसके पीसेस करेंगे। हमने मटन को फ्रिज में 2 घंटे रख दिए थे। अब हम इसके मीडियम थिक पीसेस कट कर लेंगे। मटन पीसेस को हमने कट कर लिया है। अब अगर आप चाहो तो इसे एक एयर टाइट कंटेनर में ट्रांसफ़र करके इसे 2 से 3 महीने के लिए फ्रीज़र में भी स्टोर कर सकते हो, और फिर आप जब भी चाहो अपनी मनपसंद ग्रेवी इससे बना सकते हो। तो आज इसे यूज़ करके हम मटन चिल्ली बनाएंगे।
हमने यहाँ एक पैन हीट किए हैं, उसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून ऑयल, 2 टेबलस्पून चॉप्ड किया हुआ गार्लिक, 1 टीस्पून चॉप्ड जिंजर, 1 हरी मिर्च जिसे हमने फाइनली चॉप किए है, इसे हम 1 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। इसमें हम सॉसेस ऐड करेंगे, तो ये है 1 टेबलस्पून शेजवान सॉस, 1 टेबलस्पून टमेटो सॉस, 1.5 टेबलस्पून बारबेक्यू सॉस, 1/4 टीस्पून वाइट पेपर पाउडर, आप ब्लैक पेपर भी यूज़ कर सकते हो, 1/2 टीस्पून शुगर। इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम मटन पीसेस ऐड कर लेंगे, जो मटन हमने कंप्रेस किए थे वो सारा हम इसमें ऐड नहीं कर रहे हैं, उसकी हाफ़ क्वांटिटी इसमें ऐड करेंगे और हाफ़ क्वांटिटी हम फ्रीज़ कर देंगे, फिर आगे चल के कभी भी हमको चिली या कोई भी ग्रेवी बनानी होगी तो हम उसमें डाल सकते हैं। अगर आपको फुल क्वांटिटी मटन का बनाना है तो जो सॉसेस वगैरह हमने बताए हैं वो सब आप डबल क्वांटिटी कर सकते हो। इसे हमने 1 मिनट के लिए फ्राई कर लिए थे, अब हम इसमें मटन स्टॉक ऐड करेंगे, तो जितना स्टॉक कलेक्ट हुआ था उसकी हाफ़ क्वांटिटी हम इसमें डाल देंगे। अब हमें इसे हाई फ्लेम पे कंटिन्यूस स्टर करते हुए सेमी ड्राई होने तक पकाना है। अब हमने एक पैन में 1 टेबलस्पून ऑयल हीट किए हैं, एक छोटी प्याज लिए है जिसका वेट अप्रॉक्सीमेटली 40 ग्राम्स है, उसके 4 पीसेस करके सारे पेटल्स को अलग कर लिए है। अनियन को हम इस ऑयल में सिर्फ 1 मिनट के लिए फ्राई करके इसे चिल्ली में डाल देंगे। इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून चॉप्ड की हुई कोथमीर, 2-3 मिनट के लिए पका लेंगे जब तक ये ड्राई हो जाए। ये 2 टेबलस्पून स्प्रिंग अनियन लीव्स है जिसे हमने बारीक चॉप कर लिए हैं, ये भी हम इसमें डालेंगे। इसे अच्छी तरह से टॉस कर लेंगे, फिर हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसे कवर करके 5 मिनट्स के लिए साइड में रख देंगे और ये सर्व करने के लिए बिल्कुल रेडी है।